Good morning, DXN. Good morning, DXN. सुनाई नहीं दे रहा है, आप कितना आरजीजीएल पैर लेते हैं एक दिन में? बढ़ाना चाहिए लगता है. गुड मॉर्निंग DXN. पहले मैं मेरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्राउन एम्बेसडर कपल्स संतोष दियकर जी और स्वाति जी के लिए, जिन्होंने उनका ग्रुप और उनका समय इधर दे रहे हैं, और प्रवीण सालुंके जी और आरती सालुंके जी के लिए भी मेरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. तो प्रवीण सालुंके जी ने बोला था कि आप लेट आए हैं, सही है, और उनके लिए उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ आप सबसे. और दूसरी चीज़ का मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी को आपको सहनना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है? आपको समझ में आएगा लेकिन सहने के बाद. और कंपनी मैनेजमेंट रफीक जी और वेद प्रकाश जी है जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किए हैं DXN RVC कमिटी मेंबर्स के साथ, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. और हमारा DXN RVC कमिटी का इधर लोकल टीम जो है, SM मिश्रा जी, सिद्दीकी जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, जिसके बाद में हिंदी में बात करने के लिए मुझे तो बहुत शर्म आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके कविताएं मैं घर में जाके मेरे बीवी से मुझको पता लगेगा कि क्या बोले हैं अच्छा अच्छा कविताएं. और फिरोज सारंग जी और विशाखा परवर और प्रशांत परवर जी, सब के लिए आभार, ठीक है. तो मैं पहले मेरे बारे में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ कि मैं क्या किया हूँ, मैं क्या हूँ, और उसके बाद मैं क्यों DXN बिजनेस में अब 100% इंटरेस्ट है. मेरा रियलाइजेशंस के बाद, लाइफ का एक्सपीरियंस और रियलाइजेशंस के बाद, DXN बिजनेस क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में सोने के खान के ऊपर बैठ रहा था और बाहर सभी जगह पे उधार पे पैसा ले रहा था. और उसके बाद DXN प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे बीवी बात करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीजंस कि हम DXN बिजनेस में इतना अब फोकस है, उसके वजह है DXN प्रोडक्ट्स. वो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सब हमारा पत्नी वो रूपल वो आपको दिखाएंगे. तो हम शुरू करते हैं. सॉरी, अच्छा, ओके, सो हमने इंडिया में आज स्टार्टअप का बहुत विचार चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल है और रिस्क लेने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किए हैं, हो गया है हमारा देश में, हमारा युवा ने किए हैं. लेकिन 2005 में हम और हमारे वाइफ ने हमारे बेडरूम से एक लैपटॉप के साथ इंडिया का पहला टेक स्टार्टअप क्रिएट किए थे. वो होम स्टे को ऑनलाइन आकर उसको बुक करने के लिए एक ट्रैवल वेबसाइट जैसा, ये 2005 में शुरू किया था. अच्छा, तो 2010 साल में हमने वो ऑर्गेनाइजेशन को 1000 लोग से ज़्यादा वो बढ़ा, और हमारा जो एम्प्लॉइज थे सब इंजीनियर्स IIT फ्रेशर्स थे. वहाँ जाके हम सिर्फ IIT फ्रेशर्स, IIM ग्रेजुएट्स, ISB ग्रेजुएट्स को हायर करते थे,
और जो हमारा कंपनी में हमने हायर किए हैं फ्रेशर्स को और जिसको हमने ट्रेन किए हैं और मेंटर किए हैं, आज वो इंडिया में अब टॉप 100 स्टार्टअप्स ले लीजिए या एमएनसी में भी ले लीजिए, सब कंपनी में बड़े पोजीशन में हैं। हमारा जो एक प्रोडक्ट डायरेक्टर था वही गूगल पे लॉन्च किया था इंडिया में स्टेजिला के बाद 2017। ऐसा बहुत सारा लोग हैं, ठीक है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड है हमारा, लेकिन फिर भी हमको डीएक्सएन बिजनेस में वो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो बोलने के लिए, वो आपको दिखाने के लिए, तो उसके बाद उस टीम के साथ हमने 10,000 होमस्टेज जो नए थे हमने क्रिएट किए हैं 1,000 टाउन्स ऑफ इंडिया पे। वो हम ऑन द ग्राउंड एक्टिवेशन वर्क करके, तो हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में वो होमस्टे का कॉन्सेप्ट सिर्फ केरला में था, अब तो सभी जगह में है। मुंबई में भी हमने 2014 पे बहुत सारा होमस्टेज क्रिएट किए थे फर्स्ट टाइम। ऐसे ही कि अगर आपके पास काली का घर कुछ है या काली का कमरा कुछ है, आप ओपन कर सकते हैं और कैसे उससे पैसा बना सकते हैं। और फिर हम स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट से पार्टनर भी बने, पहला था मध्य प्रदेश से और एमओयू शिवराज सिंह चौहान जी से साइन किया था। उसके बाद छे और स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन से हमने एमओयू भी किया। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। और आज डीएक्सएन भी एक उद्योग है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर मैं हूँ, आप भी है, वो बताने के लिए मैं आया हूँ। फ़र्क कुछ नहीं है, अगर आप आपका पैसा डाल के कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर रहे हैं या डीएक्सएन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप दोनों एंटरप्रेन्योर है। लेकिन फ़र्क इसमें है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, आप कितना टेंशन ले रहे हैं और आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस पे आगे जाने के लिए, और कैसे वो एक दिन में कोलैप्स हो सकता है, लॉ चेंज हो सकता है, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, कि आप कोई दुकान पैसा डाल के आप ओपन करते हैं 50 लाख, लेकिन एक महीना में रिलायंस आके उनका मार्ट ओपन कर देता है अगले स्ट्रीट पे, तो आपका वो पता ही नहीं चलता, वो सब रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ा, ट्रेडिशनल बिजनेस और डीएक्सएन बिजनेस में फ़र्क जो मैंने देखा है। तो एक तो विषय है कि इधर बहुत सारा लीडर्स है जो डीएक्सएन बिजनेस में बहुत साल से एक्सपीरियंस्ड है, मुझको उनसे सीखना है, ठीक है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में 10 साल से ज़्यादा रह चुका है, और उसको डीएक्सएन बिजनेस के पास कंपेयर जब करता हूँ, वो बातें मुझे जो वो अंदर से आता है कि अरे मैंने तो 20 साल तो खो दिया, लेकिन आप सब नहीं को नहीं को है, वो बातें तो एटलीस्ट मैं बाहर बोल सकता हूँ, इसीलिए तो मैं बाहर आया हूँ। तो पहले ट्रेडिशनल बिजनेस और डीएक्सएन बिजनेस में फ़र्क क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब क्या है, हम उद्योग ही यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल उद्योग मतलब आप मकान शुरू करते हैं, कोई दुकान शुरू करते हैं या आप कोई कंपनी, फैक्ट्री, ट्रैवल एजेंसी, जो भी है। तो पहला फिनेंशियल ओवरहेड, इसका मतलब है आप पैसे कमाने से पहले आपका खर्चे खड़े हो जाते हैं, आपको ये पता नहीं चलता है आपका पैसा, आप पैसे कमाएंगे या नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चलता है कि आपका खर्चे तो शुरू हो गया। पहला वो ट्रेडिशनल बिजनेस का वो कैरेक्टरिस्टिक है। क्या डीएक्सएन बिजनेस में ऐसा है? नहीं ना। तो फिर डीएक्सएन बिजनेस में ज्यादा लोग क्यों नहीं आते हैं? मैसेजिंग स्ट्रांग नहीं है या फिर कोई और है? वो हम देखेंगे हमारा एक्सपीरियंस से। सेकेंड, पीपल मैनेजमेंट ओवरहेड, मतलब आपको जो भी आप बिक रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, या कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस,
वो आप कस्टमर के हाथ में देने तक आपका सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो फैक्ट्री से लेके वेंडर से लेके सब आपको मैनेज करना पड़ता है, सब लोग। इधर तो हमारा रफीक जी और वेद प्रकाश जी और उनका स्टाफ है, तो वो सब वो हैंडल कर रहे हैं, वो उसका टेंशन सब वो ले रहे हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है उस तरह मैनेज करने में। और हमारा डाउनलाइंस जो है या अपलाइंस जो है उसको हम पीपल मैनेजमेंट तो हम नहीं बोल सकते ना, वो सब एंटरप्रेन्योर्स है, वो सब बिजनेस है। क्या आप एम्प्लॉय की तरह भगा सकते हैं कि अगर आपका कोई दुकान है तो दो आदमी काम करता है तो वहाँ पे उसको भगाना पड़ता है हर दिन, क्योंकि उनमें तो वो नहीं है जो आप में है पैसा कमाने का, उनका तो सैलरी आ जाता है। सिमिलरली इन एनी अदर ट्रेडिशनल बिजनेस आपको फिर से भगाना पड़ता है। डीएक्सएन में ऐसा करना पड़ता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि सब एंटरप्रेन्योर्स है, आप उद्योगपति है। जब आप अंदर आते हैं बिजनेस में आप ऑलरेडी उद्योगपति बन चुके हैं। आपके जितना आप जितना कमाना है आपको, आपको जितना इच्छा है उसके बराबर आप काम करते हैं। अपलाइन जो भी बोलेगा, डाउनलाइन जो भी बोलेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर जितना आग है उतना ही आप काम करेंगे, सही है? तो इधर पीपल मैनेजमेंट का स्किल या ओवरहेड कम होता है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है और प्लान प्रमोट करना है। ये तीन चीज करना है, कंसिस्टेंटली कीजिए और आपका नेटवर्क बिल्ड होता जाता है। तो इधर फिनेंशियल रिस्क नहीं है। अब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मतलब आप पैसे तो कुछ बर्बाद नहीं कर सकते इस बिजनेस में। डीएक्सएन उद्योग में कोई पैसे बर्बाद किए हैं मैंने कोई सुना नहीं और सुनेगा भी नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ये सब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, आप ले रहे हैं और बाहर दूसरे चीज खाने के बजाय आप हमारा ये कंपनी का प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। और लास्ट दो चीज जो है ना, वर्क लाइफ बैलेंस और ट्रांसपेरेंसी। तो ये डीएक्सएन बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का क्वालिटेटिव डिफरेंस है। जब आप कोई और धंधा बिजनेस करते हैं तो आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फैमिली टाइम। अब फैमिली के साथ तो बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन डीएक्सएन ऐसा एक बिजनेस है जो फैमिली कर सकते हैं। आप अकेले हैं, आपके शादी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन शादी हो गया और आप अकेले ये बिजनेस कर रहे हैं, वो हो ही नहीं सकता। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के अंदर ही बिल्ट है, वो क्वालिटेटिव डिफरेंस है। और लास्ट ट्रांसपेरेंसी। कोई मुझे आके पूछेगा कि वो प्रीवियस बिजनेस में आपने ये सब कैसे किया, आप क्या सोचते हैं मैं बोलूँगा? या आप मकान में आप कितना कमा रहे हैं, आप दुकान में कितना आप कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं, कोई आके पूछता है आप बोलेंगे? बोलिए क्यों? ट्रेड सीक्रेट्स आपका नुकसान है बोलने में, लेकिन डीएक्सएन बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पे वो शेयर करने से ही आपको फायदा आता है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे वो सीक्रेट तो फायदा ही नहीं है आपको। तो ये दोनों क्वालिटेटिव डिफरेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर एल्गो ट्रेडिंग वो एक पार्ट चलता रहता है। अगर कोई आके मुझे पूछता है योगी भाई वो कैसा ट्रेडिंग करना है, तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा नुकसान है। लेकिन अगर आप मुझे आके पूछेंगे योगी भाई आपने 40 किलो कैसे कम किया, तो बिल्कुल सब बोलूँगा क्योंकि उसमें फ़ायदा है मेरे लिए। तो इधर आपका जो सक्सेस है वो ओपन होने से, ट्रांसपेरेंट होने से और सब शेयर करने से ही आपको सक्सेस, वो सक्सेस मिलता है। एंड इसका मतलब है कि अगर आप नए लोग हैं, आज कितने लोग नए आए हैं पहली बार, बढ़िया, सबके लिए ताली होना चाहिए। तो जब आप नए आते हैं काम पे
या नए जाते हैं कोई उद्योग पे, आपको कोई ट्रेड सीक्रेट्स नहीं बताते हैं, लेकिन ज़रूर टारगेट्स देते हैं काम पे, या फिर आपको खर्चे तो डेफिनेटली शुरू हो जाता है। यही एक एकमात्र बिजनेस है जहाँ पे जैसे सक्सीड होना है पहले सिखाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सिखाते हैं तो जिसने आपको स्पॉन्सर किया वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों बिजनेस में डिफरेंसेस के अलावा सिमिलैरिटीज भी है। ट्रेडिशनल बिजनेस हो आप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जिस तरह का भी है, आई मीन डीएक्सएन जो भी कर रहे हैं वो दूसरा बिजनेस तो हो सकता है, ठीक है, तो उस बिजनेस में आपको डिसिप्लिन चाहिए तो डीएक्सएन बिजनेस में भी डिसिप्लिन चाहिए, उस बिजनेस में आपको मेहनत चाहिए तो यहाँ पे भी मेहनत चाहिए। आपको आसान मनी इधर नहीं आता है, आसानी से पैसा इधर नहीं आता है। अगर कोई बोलते तो भी है कि आसानी से मनी पैसा इधर कमा सकते हैं तो मेरे साथ मत कहिए, क्योंकि वो आसानी से पैसा ऊपर जाता है फिर रॉकेट, दीवाली रॉकेट जैसा फट जाता है, कभी टिकता नहीं है। डीएक्सएन का कंपनी 30 साल से है और 30 साल क्या 100 साल से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये पहला आसानी का पैसा नहीं है, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, करना है काम लेकिन दिमाग नहीं लगाने का है, क्योंकि आपको क्या करना है सब सिस्टम ही सिखाता है। मैनेजमेंट आपको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके देते हैं और नेटवर्कर्स आपका अपलाइन सिस्टम क्रिएट किए हैं जो आपको क्लियरली बताते हैं कि क्या करना है और वो क्या चीज़ है। हम आप धीरे धीरे समझेंगे, बहुत सिंपल है। सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए मतलब आप खुद अंदर से आग होना चाहिए, इधर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, कोई आपको काम पे नहीं लगाया है, कोई आपको रिक्रूट किए हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर के तरह रिक्रूट किए हैं, एम्प्लॉय के तरह किए नहीं हैं, कि मतलब आपको हर दिन भगाते हैं कि ये करो वो करो। आपको आग अंदर से आना चाहिए और अगर आग अंदर से है तो आप एंटरप्रेन्योर है, इस बिजनेस में भी सब एंटरप्रेन्योर्स ही है। एंड गोल ओरिएंटेड, आपको फोकस रहना चाहिए कि दोनों बिजनेस में, वहाँ पे भी पैसा तभी कमा सकते हैं कि अच्छा ठीक है इस क्वार्टर हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर हम इतना करेंगे, एक गोल एक नंबर के साथ। और इसी बिजनेस में भी, डीएक्सएन बिजनेस में भी एक गोल होना चाहिए कि इस मंथ में इतना करूँगा। ये सब क्वालिटीज दोनों बिजनेस में चाहिए और डीएक्सएन बिजनेस में बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि ये आप कोई इधर ऐसा मत आइए कि इजी मनी है, ये सीरियस बिजनेस है। दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग के लिए नया बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है या टाइम नहीं है या रिलेशनशिप्स नहीं है या नेटवर्क नहीं है। इधर आपको पैसा नहीं चाहिए, टाइम आपके बराबर आप डाल सकते हैं, कंसम्पशन तो आप हर दिन शुरू कर सकते हैं, और नेटवर्क आप जो भी आप देख सकते हैं आपका नेटवर्क में आप प्रमोट कर सकते हैं। तो सब इस बिजनेस में आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं है जहां ट्रेडिशनल बिजनेस में है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स 100% आपको रहना चाहिए अगर इस बिजनेस में सक्सीड करना है तो। तो 20 साल डॉक्टर अजय सिंह ने बोला कि हम इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, सच है, लेकिन वो हमारा प्रोफेसर और डॉक्टर का ब्लेसिंग्स है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि जब घर से ब्लेसिंग्स मिलता है उसका कीमत बहुत दिन बाद ही पता चलता है, तब उसी टाइम पता नहीं चलता है ना। हमको
जब ये पता चला, इस रूप में पता चला, पैसे तो आता रहता है लेकिन उसमें हम भी कमाते हैं, तो उसमें ऐसा फर्क ज़्यादा नहीं देखा था हमने। लेकिन जब हमारा पुराना बिजनेस में एक्सीडेंट एक हो गया और हम बहुत सारा लीगल केसेस में फंस गए थे 2016-17 पे, जिस जगह पे हम नाइटमेयर्स में भी सोच नहीं सकते हैं कि हम जाएंगे, वहाँ पे गए थे, उस टाइम हमको द स्ट्रेंथ ऑफ पैसिव इनकम, द पावर ऑफ पैसिव इनकम महसूस हुआ, क्योंकि हमको बहुत सारा केसेस कोर्ट में जाके हमको ही लड़ना पड़ा, लेकिन हमको फिक्र नहीं था अर्निंग्स के बारे में, मंथली इनकम के बारे में। उसका कृपा माता पिता का, प्रोफेसर और डॉक्टर का, और लीडर्स का, जो 20 साल से बिजनेस डीएक्सएन बिजनेस सारे इंडिया में खड़े किए हैं, हमारा क्राउन एम्बेसडर्स ऑल ओवर इंडिया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो 20 साल से कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब का कृपा उस टाइम पे हमको मिला। तो हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारा पास कोई नहीं है। जब हम वो कठिन परीक्षा से, कठिन टाइम से गुजर रहे थे, हमको ये सपोर्ट ही आया था जो हमको खड़ा करके वापस इधर तक लेकर आया था। तो उसके बारे में, वो वन ऑफ द मेजर रीजंस है बिकॉज ऑफ विच हम इधर यू नो डीएक्सएन बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू किया। तो होता है कि यू नो जब नहीं है तभी उसका महत्व आपको पता चलता है ना। नया लोग जो है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं 2 महीने के लिए काम नहीं कर सकूंगा तो क्या होगा, मुझे फैमिली का क्या होगा, या फिर आपका बिजनेस, या फिर कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। वो रिस्क पैसिव इनकम, सिर्फ पैसिव इनकम कवर कर सकता है। और पैसिव इनकम तो बहुत सारा तरीके बोलते हैं बाहर, आप अर्न कर सकते हैं, कि आप कमाई कर सकते हैं बैठे बैठे। पैसिव इनकम गारंटी आपको चाहिए, गारंटीड पैसिव इनकम, मतलब एक बार नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल आ सकता है, उतना गारंटी चाहिए। तो आपको सही कंपनी चूज करना पड़ेगा, कंपनी डीएक्सएन जैसा, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट 30 साल से बढ़ता ही जा रहे हैं, और प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट नहीं, हर साल प्रोडक्ट बढ़ता ही जा रहा है। आज कितना प्रोडक्ट है किसी को पता है? 126। कितना? 126। तो जब शुरू किए थे 2-3 प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट भी बढ़ गया। तो जब प्रोडक्ट बढ़ता है, हमने देखा है हमको और कुछ नहीं करना है, पैसिव इनकम भी बढ़ता है। और सेकेंड थिंग, कंपनी का प्लान फेयर होना चाहिए, मतलब लॉन्ग सस्टेनिंग का, अगर कंपनी को लॉन्ग सस्टेन होना चाहिए तो उनका प्लान, इनकम प्लान सही और फेयर एंड बैलेंस्ड होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फर्स्ट है तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मेरा कमाई है, बिल्कुल भी नहीं जी। मैं बिहार से 2 साल युवा 22-year-old युवा को देखा हूँ जो 2 साल पहले शुरू किए हैं, और मेरे से डीएक्सएन इनकम उनका 3 गुना ज़्यादा है, वो फेयर है। और उसी से मुझको कॉन्फिडेंस आता है कि ये 30 साल नहीं, 100 साल तक चलेगा पैसिव इनकम। अगर पैसिव इनकम को एक्टिव इनकम करना चाहिए तो मुझे तो
मेहनत करना चाहिए, तो वो हमारा हाथ में है और आपका हाथ में है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी रीजंस है लाइफ में जो आता जाता है, आपका पैसिव इनकम आपका रिटायरमेंट पेंशन जैसा हो जाता है, आप कुछ भी करो कुछ भी मत करो आपका तो आता रहता है पैसा, ये और कोई बिजनेस में नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सही तरह से कंपनी चुनना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 10 साल में बहुत सारा कंपनीज आए और पैसे एक साल में बहुत कमाए थे, लेकिन दिवाली रॉके जैसा फट जाते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बिल्ड कर रहे हैं एक साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, क्योंकि आप नहीं तो आपके बेटे बेटी आपके कृपा महसूस करेंगे 20 साल के बाद। उनके लिए कीजिए, एक साल मत कीजिए, 20 साल से ज्यादा कीजिए। और पैसिव इनकम के साथ ये लेगेसी भी होता है, क्योंकि दिस इज ट्रांसफरेबल टू जेनरेशंस टू जेनरेशंस। ये प्रोफेसर और डॉक्टर है, वो हम दोनों है, और राइट ऊपर मेरा बहन और ब्रदर इन लॉ है, नीचे मेरे बच्चे हैं। डीएक्सएन का बिजनेस का इनकम ऑलरेडी हमारा घर में 3 जनरेशन्स का पॉजिटिवली इफेक्ट हुए हैं, राइट? इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए? इस तरह का लेगेसी बिजनेस सिर्फ आर्टिस्ट को मिलते हैं या फिर अंबानी को मिलते हैं, वो बीच में रहने वाले को कोई किसी को नहीं मिलते, ठीक है? सिवा डीएक्सएन उद्योगपति को। आप आज का पैसा के लिए काम कीजिए, लेकिन 20 साल 30 साल के बाद का पैसा के लिए भी आप आज ही काम कर रहे हैं, ये महसूस करके आप काम वो हार्डवर्क लगाइए। तो ये सिर्फ हम एग्जाम्पल नहीं है, इधर तपन शाबी जी है जो लेगेसी इनकम का एक बड़ा एग्जाम्पल है, और इधर मिडिल ईस्ट में 50 से ज़्यादा है, जगह नहीं है तो हमने डाला है, जहाँ पे एक जेनरेशन ने बिजनेस को खड़ा कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट जेनरेशन्स को पैसा आ रहे हैं। कुछ लोग नेक्स्ट जेनरेशन में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ लोग को मेरे जैसा टाइम लगेगा महसूस होने में, कुछ लोग ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप जो आप बिल्ड कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए आप बिल्ड कर रहे हैं, और ये मौका आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ डीएक्सएन बिजनेस में मिलेगा, क्योंकि एक वो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है और दूसरा डीएक्सएन कंपनी का क्वालिटी वो है, लॉन्जिटिविटी। गैनोडर्मा क्या देता है? लॉन्जिटिविटी, और डीएक्सएन कंपनी में तो वो अंदर से ही है, तो लॉन्जिटिविटी तो बिल्ट इन है। आप बेफिक्र बिल्ड कीजिए 100 साल तक, तो इधर मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर लिम, जिन्होंने एक पवित्र प्रोडक्ट, मैं ये सब शब्द मैं कभी यूज नहीं करता हूं, कभी यूज नहीं किया हूं 20 साल में, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट तो घर में जब मैं 18 इयर्स था तब से वो हर रूम में था, तो है ना घर में बोलते हैं ना घर का सोना दाल बराबर, ऐसे ही था डीएक्सएन प्रोडक्ट हमारा, तो हर रूम में पड़ा रहता है हर रूम में, तो उसे कुछ ज़्यादा कीमत नहीं था, वैल्यू नहीं था, लेकिन जब हम 5 साल पहले
हमारा जो प्रीवियस बिजनेस के प्रॉब्लम्स के वजह हमारा हालत हुआ, उसके बाद जब हमने प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू किया, और कैसे कंज्यूम करना शुरू किया, ऐसे नहीं था अच्छा ठीक है प्रोडक्ट घर में है लेके कंज्यूम करूंगा, नहीं मैं तो इंजीनियर हूं मैं खुद ही करूंगा, मतलब मैं मेरा ही रास्ता ढूंढूंगा, मेरे जो घर में रास्ता बना है वो ठीक नहीं है, मैं मेरा ही रास्ता ढूंढ लूंगा। तलके बहुत रिसर्च किया कि मैं वेट कैसे कम करूं, मेरा एज कैसे कम करूं, मैं हम ये बहुत टेक्निकल है लेकिन ये सच्ची में गूगल सर्च किए थे, आप भी कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटपुट कैसे मैं बढ़ाऊं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी सेल इंजन होते हैं, पावर हाउस। तो ये ऐसा है कि मैं वो ऐसा सर्च किया था कि हमारा 800 सीसी तो इंजन है, उसे हम 1000 सीसी कैसे निकाल सकते हैं। जब वो सर्च किया था, एक रिसर्च पेपर आया पबमेड में, वो पढ़ के मैं वो मिडिल में डाल रहे हैं कि कॉर्डिसेप्स हैज बीन शोन टू इम्प्रूव द पावर आउटपुट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तब तक प्रोफेसर और डॉक्टर घर में हर रूम में कॉर्डिसेप्स रखते थे, ठीक है, कभी कहा नहीं। जब मैंने ये पढ़ा और मैंने देखा कि कॉर्डिसेप्स ये रिसर्च बोल रहा है और मैं इंजीनियर हूं, तब मैं सोचा कि क्या मैं गलत कर रहा हूं क्या, मतलब घर में सब कुछ है और मैं बोल रहा हूँ ना सोने का माइन के ऊपर बैठ के मैं सब जगह पे उधार ले रहा हूँ पैसा नहीं है समझ के। तो उस टाइम पे मैंने एक फैसला लिया कि अच्छा ठीक है मैं 6 महीने तक कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, कोई रिसर्च नहीं करूँगा, प्रोफेसर और डॉक्टर जो रास्ते दिए हैं डॉक्टर स्पेशली इन टर्म प्रोडक्ट कंसम्पशन के बारे में मैं वो करूँगा। और तब तक मैं तो मे बी एक दिन में एक पैर दो पैर आरजीजीए लेते हैं, कितने आप में कितने लोग एक दो पैर लेते हैं, आप में दो पैर से ज्यादा कितने लोग लेते हैं, 10, 20, हाथ कम हो गए हैं। तो हमने भी एक दो से ही शुरू किया था, तो मैं एक्सपेरिमेंटर हूँ, मुझे तो एक्सपेरिमेंट खुद पे करना भी बहुत पसंद है, तो उसमें अच्छा भी हुआ है थोड़ा थोड़ा बुरा भी हुआ है। जब मैं डीएक्सएन का प्रोडक्ट नहीं लिया, बाहर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो दो पैर से शुरू किया, 5, 10, 20 से लेके अभी मैं 40 पैर ले रहा हूँ पर डे। उसका परिणाम डिटेल में हमारा वाइफ रूपल वो शेयर करेंगे कि क्या कैसे और कहाँ से कहाँ आए हैं हम। तो प्रोडक्ट कंसम्पशन जब मैंने शुरू किया और मैंने देखा कि मेरा ये खुद का अंदर और बाहर का रूप चेंज हो रहा है, तब मुझको बिजनेस में दो विषय है, एक डीएक्सएन बिजनेस में कंप्लीट भरोसा और फेथ, वो आया था जब पावर ऑफ पैसिव इनकम और लेगेसी के बारे में मैं महसूस किया था। लेकिन वो डीएक्सएन बिजनेस को बाहर लेके जाना है, लोग को बोलना है, अंदर से बैठा नहीं जाता है कि इसके बारे में बिना बोल के एक दिन, वो तब हुआ था जब मैं 20 पैर आरजीजीएल उस तक नहीं हुआ था, अंदर अच्छा हो रहा था बाहर अच्छा हो रहा था, लेकिन बिजनेस का वो बाहर बोलने का वो ज़्यादा नहीं हो रहा था। 20 पैर जब मैंने लेना शुरू कर दिया तो तब वो अंदर से कुछ आया कि अरे मैं तो चुप बैठा नहीं सकता, अगर मैं चुप बैठा तो भी है मेरा फ्रेंड्स आके पूछते हैं मेरा तो उम्र हो रहा है ऐसा, तेरा तो उम्र हो रहा है ऐसा, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैं बोला, ये सब कॉलेज और स्कूल फ्रेंड्स हैं, मैं बोला कि देखो तुझे तो डीएक्सएन के बारे में पता है, 20 साल से मम्मी और पापा कर रहे हैं,
मैं उनका प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया, ले लो दो बॉटल, तू भी ले लो। मतलब अगर आप नहीं करना भी चाहते हैं तो आपके हाथ से वो बिक जाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट ऐसा है। तब मुझे वो डीएक्सएन बिजनेस बिल्ड करने में, देखिए फिर से कह रहा हूँ, इसमें दो एस्पेक्ट्स है, एक डीएक्सएन बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ। वो तब आया था जब पावर ऑफ पैसिव इनकम मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। मैंने तो प्रीवियस बिजनेस में महीना 1 करोड़ का भी सेल्स होता था, ठीक है, तो पैसे तो बहुत देखा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि, और पैसे आज भी देखता हूँ, लेकिन द पावर ऑफ पैसिव इनकम एंड लेगेसी, उसका ऊपर बिलीफ तब आया था जब मेरा वो 5 साल पहले वो कठिनाई आए थे, तब सिर्फ डीएक्सएन बिजनेस मेरे साथ खड़ा था, आप मेरे साथ खड़े थे, लीडर्स मेरे साथ खड़े थे, और आपको पता भी नहीं था कि आप मेरे साथ खड़े थे। क्यों? आप सिर्फ आरजीजीएल कर रहे थे, वो काफी था मेरे साथ खड़े होने के लिए, दैट्स ऑल, दैट वो फेथ आ गया। लेकिन उसको 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोग तक लेके जाने के लिए वो अंदर से तब भी आया था जब मैंने 20 आरजीजीएल करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अंदर से वो आता है कि आपका इतना अच्छा यूज इफेक्ट आता है। छोटा सा एग्जाम्पल, मेरे इधर एक मोल है, हिंदी में मोल को क्या बोलते हैं, तिल है, इतना सा बड़ा, मैं पैदा हुआ था उसके साथ, जब मैं 25 ईयर्स का था वो डिसअपियर हो गया। मैं ढूंढता था 25, 35, even 36, 37 ढूंढता था कि अरे यार जब मैं छोटा था ये था, अब कुछ नहीं है, गया। मैं 20 आरजीजीएल लेना शुरू कर दिया और वापस वो आ गया। मतलब ये मेरे लिए एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है कि मेरा उम्र अब बच्चे जैसा हो रहा है, कि ये जब मैं बच्चा था तभी था ना। सी, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो पर्सनली आप ही देखेंगे, आप ही महसूस करेंगे। जब आप महसूस करेंगे तभी आपको अंदर से वो आएगा कि मैं 20 लोग को इस ये प्रोडक्ट हाथ में देना है। और सिर्फ आरजीजीएल नहीं, वो मैं आरजीजीएल के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो किंग ऑफ हर्ब्स है, लेकिन हमारा पास सब एम्पायर है, समझ लीजिए। अब वो डीएक्सएन पुरानी डीएक्सएन नहीं है जहाँ सिर्फ एक राजा और रानी के साथ हम से लेके जाना है, अब तो एक आर्मी है आपके साथ, 126 प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। तो मेरा विनती सिर्फ ये है कि बहुत दिन हमने वेस्ट कर दिया कुछ चीज पहचानने में, वो आप मत कीजिए। पहला प्रोडक्ट कंसम्पशन, बेफिकर आप डीएक्सएन प्रोडक्ट्स फूड की तरह कंज्यूम कीजिए, वही मैं करता हूँ, और लाइक वो हमारे बीबी आपको लेके जाएंगे कि वो हमारा डाइट क्या है, डीएक्सएन डाइट क्या है और उसका परिणाम क्या है। दो, आप काम कर रहे हैं तो आप 20 साल के लिए काम कीजिए, 1-2 साल के लिए मत काम कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि अच्छा ठीक है मुझे 2 साल में इतना लाख कमाना है, वो गोल होना चाहिए शॉर्ट टर्म, लेकिन आपका वो जो विजन है, गोल और विजन का फर्क आपको मालूम है, गोल वो होता है जो दिखता है, विजन वो होता है जो नहीं दिखता है फिर भी टारगेट करते हैं। तो आप गोल शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए, लेकिन बिजनेस विजन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, ठीक है।
तो ये सब व्हाट हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस अब क्लोजिंग है और इसके बाद हमारा बीवी आएंगे और एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या कंज्यूम कर रहे हैं तो और कैसे कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे. तो ये नो मैं एक विषय बोलने का भूल गया. वो 40 साल में क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा उम्र कम करना है. सबको मिडिल एज क्राइसिस होता है 40 साल में. वीमेन को डिफरेंट तरह होता है, मेन को डिफरेंट तरह होता है. लेकिन मेरा तो बहुत पर्सनल था कि हमने 22 इयर्स में हमारा पहला बिजनेस शुरू किया था, उसमें 15 इयर्स स्पेंड किया था और बहुत एक्सपीरियंस, लर्निंग, नॉलेज और सब लेवल पे. अगर एक बिजनेस को 1000 करोड़ तक कैसे ले जाना चाहिए वो आज भी हम कंसल्ट करते हैं दूसरे स्टार्टअप्स के लिए. तो उतना लेवल एक्सपीरियंस, नॉलेज लिया था. लेकिन उसके बदले में हम क्या दिया था, क्या खोया था? टाइम खोया था हमारा. मतलब 25 साल हो गया अब मैं 40 इयर्स और दिखता हूँ तो उस टाइम पे मैं 50 साल जैसा दिखता था. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ वापस? मेरा यूथ तो चले गया, वो विगर, वाइटैलिटी, वो युवा का शक्ति, वो सब तो मेरे पास नहीं है. तो वो चीज़ मुझे ड्राइव किया था कि मैं मेरा एजिंग कैसे रिवर्स कर सकूँ. एक युवा का वाइटैलिटी मेरे अंदर कैसे आ सकता है, उसको मैं कैसे वापस पाऊँ? क्योंकि मेरा सोच ये था कि मेरे पास अब 15 साल की नॉलेज और लर्निंग और एक्सपीरियंस वो सब है, लेकिन टाइम नहीं है. टाइम तो खो दिया ना. टाइम अगर मिलेगा तो मैं 25 साल का युवा जैसा लेकिन 40 साल का एक्सपीरियंस्ड आदमी जैसा, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है. सही. तो दैट ड्रोव मी टू फाइंड रिवर्स माई एज एंड उसके वजह ही मैं DXN प्रोडक्ट्स को रीइंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है. तो लास्ट भाई, ये सब रिसर्च इसे ज़्यादा ही किया. मतलब मैं अगर आपका रिसर्च का मैं जो भंडार मैंने बंद करके रखा हूँ वो तो मैं शेयर कर सकता हूँ. लेकिन अब जो भी डॉक्टर है या साइंटिस्ट है मैं बात कर सकता हूँ. आई कैन शो यू व्हाट इज एक्चुअल रिसर्च पेपर्स, राइट. लेकिन मैं बंद कर रखे हूँ क्योंकि मेरे पास DXN प्रोडक्ट है और कुछ नहीं चाहिए मुझे और उसमें फालतू टाइम नहीं वेस्ट करने का. तो अब इसे हमारा एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, हमारा वाइफ रूपल वो आएंगे और वो आपको हम क्या किए थे, हम कैसे थे 5 साल पहले और आज हम कैसे हैं और उसके लिए हम DXN प्रोडक्ट्स क्या क्या लिए थे, कितने लिए थे, किस टाइम पे लिए थे और क्यों लिए थे, वो सब उसके बारे में बात करने के लिए अब हमारा वाइफ को प्लीज़ वेलकम कीजिए. चाहिए स्टैंडिंग ओवेशन में. गुड मॉर्निंग DXN. गुड मॉर्निंग DXN. आपको 20 पैर RGGL लेके 2 महीना, उसके बाद मेरा नंबर ले लीजिए. जो भी हमारा वाइफ दिखाएंगे आप लेकर देखिए 2 महीना, उसके बाद मेरा नंबर ले लीजिए. मैं मनी बैक गारंटी देता हूँ. कंपनी नहीं देगा, मैं देता हूँ. ठीक है. और सिर्फ मनी बैक गारंटी नहीं, आपका गालियाँ भी सुनूंगा अगर वो काम नहीं किया. ठीक है. शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तालियां होनी चाहिए एक स्टैंडिंग ओवेशन में. तालियों की गूंज मलेशिया तक जानी चाहिए. मुंबई में कार्यक्रम हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन मुंबई. मिस्टर योगेंद्र वसुपाल जी, महालक्ष्मी.